एवरीवन, सो काफ़ी बार हम लोग ने बहुत सारे एग्जीबिशन ब्लॉग्स बनाए, हम लोग बहुत सारे स्टोर्स में भी गए हैं ये देखने के लिए कि भाई कौन सा कैमरा कैसा है, कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है। आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही है, बट बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट में। हम लोग बहुत बार सालों से ऐसे सारे वर्कशॉप्स वगैरह एग्जीबिशन वगैरह में गए हैं, पर अभी इस बार हम लोग एक मोबाइल वैन में जा रहे हैं, एक मोबाइल बस बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैनन का लोगो भी है। तो यहाँ पे क्या है कि कैनन वालों ने एक ऐसी बस बनाई है जिसमें उनके जो जितने भी अच्छे अच्छे नए नए कैमरास हैं, जो भी उनके पास माइक है वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सभी कुछ इन्होंने इस बस में डाल दी है और ये अभी मुंबई में है। आपको बस कैनन वालों को कॉन्टैक्ट करना है और वो आपको तुरंत बता देंगे कि मुंबई में अभी ये बस कहाँ पर है। आपको बस इस बस में जाना है और ये सारी इक्विपमेंट, सारी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। सो लेट्स गेट इन टू द बस और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो जो दूसरे सारी चीज़ों से बहुत ही डिफरेंट है। बस रखने का क्या एक आपको फ़र्क पड़ा है? जहाँ तक मुझे पता है आप यहाँ पे इंडोर शूट भी कर सकते हो। देखो वहाँ पे, लेट्स सी, हम लोग इनसाइड जाते हैं। यहाँ पे वो लोग ने एक इंडोर स्टूडियो बना दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो भी फोटोग्राफी का कैमरा या सिनेमा का कैमरा लेते हो, यहीं पे आप उसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। अगर इंडोर ट्राई करना चाहो तो आप इंडोर में जाकर अंदर जाके टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ अभी हम लोग बस के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि उसमें ऐसा तो क्या है जो अलग है। लेट्स गेट इन। सो एज यू कैन सी, हम लोग को यहाँ पे इतने सारे लेंसेज बस के अंदर दिख रहे हैं, सारे अलग अलग कैमराज हम देख रहे हैं। कैन यू इमेजिन, हम लोग एक बस के अंदर है और ये सारी चीज़ें लगाई है। आई कैन सी आउट हियर कि यहाँ पर सब लोग एडिटिंग भी कर रहे हैं, मतलब कलर ग्रेडिंग एडिटिंग का इन्होंने पूरा सेटअप लगाया है और यहीं पर आप सारा जो है सब कुछ ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ सो कूल। मतलब पहले कैसा था कि ठीक है वहाँ पे टेस्ट किया एग्जीबिशन में, अगर उन्होंने कुछ ऐसा लगाया, एडिटिंग का तो कभी एग्जीबिशन में मैंने देखा नहीं है कि लगाया होगा, पर यहाँ पे बस के अंदर सब कुछ रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने सिनेमा का कैमरा भी रखा गया है। सो लेट्स बिगिन। ये ज़्यादातर जो सिनेमाटोग्राफी करते हैं, जो सिनेमा लेंसेज यूज़ करना चाहते हैं, जो सिनेमा कैमराज यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस रखे गए हैं। सो वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे एंड चेकआउट करते हैं। यहाँ पे R6, R5, R3 ये तीनों कैमरा का जो कुछ ना कुछ है वो तो मैंने परचेज वाले वीडियो में डाला था, तो ये सारे कैमरास तो यहाँ पे रखे ही है। ज़्यादातर जितने भी RF लेंसेज है, जैसे 35mm का लेंस, 2870, 2470, ठीक है, 7200 मैक्रो RF 100, RF 85 1.2, और फिर ये क्या है, ड्यूअल फिश आई। ये एक बहुत ही अच्छा लेंस है जहाँ तक मुझे पता है, इसमें दो लेंसेज है, राइट। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि आपको बस ये कैमरा पे कनेक्ट करना है, बहुत ही लंबा, बहुत ही अच्छा खासा फिश आई आता है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे RF 50, 85mm STM। तो ये जो सारे लेंसेज है ये ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए है और सिनेमा के लिए खास उन्होंने ये सारे लेंसेज लॉन्च किए हैं, जहाँ पे देखो उन्होंने CNE 70 लिखा है 200। तो ये सारे सिनेमा लेंसेज है, जो सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, या फिर अगर आप प्री वेडिंग शूट में जाते हो और आपको एकदम ही सिनेमा लेवल का काम करना है प्री वेडिंग में, तो आप ये सारे लेंसेज यूज़ कर सकते हो। वेडिंग में भी लोग करते हैं, पर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है प्री वेडिंग या शॉर्ट फिल्म मेकिंग में, जो टिपिकली फिल्म मेकिंग होता है उसमें होता है, क्योंकि वेडिंग का जो लेवल है वो यहाँ पे ही चालू होता है। अगर हम लोग वेडिंग की ही बात करें तो हमको ये सारे लेंसेज ज़्यादा काम में आते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ जाते हैं। और आज जो है मैंने ये वाला कैमरा इनका देखा, जो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफी भी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फोटोग्राफर हो तो हम क्या सोचते हैं, मुझे कितने लोग पूछते हैं जब हमारे लाइव सेशंस होते हैं कि ऐसा कोई कैमरा दिखाओ जिसमें हम लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकें, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर हम लोग को सिर्फ फोटोग्राफी का काम तो आता नहीं है, हम लोग को वीडियोग्राफी का भी काम आता है। तो आप कैसा सोचते हो कि भाई चल आज मुझे फोटोग्राफी का काम नहीं आया तो मैं वीडियोग्राफी भी कर लूँगा। अगर आपको ऐसा कोई कैमरा चाहिए जिसमें दोनों चीज़ें बेस्ट हो, तो अभी तक हम लोग के कैनन में सिर्फ एक ही दो मॉडल्स माइंड में आते थे, वो था R3 और R5, पर ये टिपिकली फोटोग्राफी के कैमराज है जिसमें आप वीडियोग्राफी करते हो। अभी जो उन्होंने ये नया कैमरा लॉन्च किया है R5C, मतलब सिनेमा, तो हमको कैसा लगता है कि जो सी रहेगा मतलब वो सिर्फ सिनेमा या फिल्म मेकिंग का ही काम में आएगा, जैसे कि ये वाला, अगर C70 ले लो, ठीक है,
या फिर ये वाले कैमरा, ये C500 Mark II। अभी हमको क्या लगेगा कि ये भाई हमारे लेवल का नहीं है, जाने देते हैं। ये सी वाला मतलब एकदम सिनेमा फिल्म मेकिंग का ही काम में आएगा, भले हम लोग को वो लेना हो, पर एक तो बजट के बाहर चला जाएगा और सिर्फ सिनेमा का ही काम मैं कर पाऊँगा, जो शायद मुझे साल में पता नहीं कितनी बार आए। हमको तो ऐसा चाहिए ना जो फोटोग्राफी भी करे, तो फिर हम लोग R5 में चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा कैमरा निकाला जिसमें आप सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कैमरा का ये है कि इन्होंने इसमें वेंटिलेशन दिखाया है। देखो, एग्जॉस्ट वेंट रखा गया है, मतलब जैसे ही आप ये कैमरा स्टार्ट करते हो, अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं, फ़ोटो का मोड और वीडियो का मोड अलग अलग है, ठीक है। अगर आप फ़ोटो के मोड में जाते हो और आप इसका मेनू स्क्रीन देखते हो, तो आप देख सकते हो कि इट्स एज़ गुड एज़ जैसे आप Mark IV देखते हो, R5 देखते हो, तो ये सारा फ़ोटो का ही है, राइट। मतलब ऐसा ही तो मेनू कार्ड रहता है फ़ोटोग्राफी का। पर जैसे ही मैं इसको वीडियो में शिफ्ट करूं, तो ये बस 5 सेकंड के अंदर ये मेनू खुल जाता है, जो टिपिकली वीडियोग्राफी के लिए होता है, सिनेमाटोग्राफी के लिए रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इसका मैं अगर मेनू देखूं, तो इट्स वे डिफरेंट, शॉकलेस, WB, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। अगर आप नोटिस करोगे, डिजिटल आईएस मोड, ठीक है, एनामॉर्फिक करेक्शन, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो कभी भी फोटोग्राफी के कैमरा में नहीं थी। ये सारी चीज़ें सिनेमाटोग्राफी के कैमरा में आती है, जो इन्होंने इसमें अप्लाई की है। साथ ही साथ जैसे ही मैंने आपको एग्जॉस्ट फैन दिखाया, देखो सबसे बड़ा इशू एज अ सिनेमाटोग्राफर ये रहता है कि हम, पता है, कैमकॉर्डर्स यूज़ करते हैं वेडिंग में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर शादी 3 घंटा चलती है तो हम थोड़ी ना 10-10 मिनट के क्लिप्स लेंगे, क्योंकि इसमें तो वही प्रॉब्लम आता था कि आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, उसके बाद बंद रख दो। पर एग्जॉस्ट फैन रखने से इसका कूलिंग सिस्टम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लंबा खींचना चाहो, वीडियो शूट करना चाहो, आप कर सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ इट। मतलब अगर इसके कैमरा पीछे से बंद हो गया, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, ये लंबे टाइम तक चलता रहता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर मुझे इसको देखना हो, देखो मुझे पर्सनली ये कैमरा ये सारे कैटेगरीज में से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहो, जो लोग सिनेमाटोग्राफी में स्पेशलाइज करते हैं, जो लोग फिल्मों का काम करते हैं, शॉर्ट फिल्म का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, अगर आप उस लेवल के इंसान हो, तो आपके लिए ये सारे कैमरास और भी अच्छे हैं। क्योंकि आप फोटोग्राफी इतना करने वाले हो नहीं, तो फिर C70 या लो या ये वाला कैमरा ले लो, ये सारे कैमरा ज़्यादा अच्छे हैं। जो C500 Mark II है, ये सारे कैमराज आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। पर अगर आप ऐसे हो जिनका काम फैशन का है, वेडिंग का है, वाइल्ड लाइफ का है, जहाँ पे कभी हम लोग वीडियो शूट करते हैं, कभी फोटोग्राफी करते हैं, कभी अगर सपोज़ कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटर हो, ठीक है, आप डिजिटल कॉन्टेंट बनाते हो ब्रांड्स के लिए, ब्रांड वैल्यूएशन करते हो, ब्रांडिंग का काम करते हो, तो आपको बहुत बार सिर्फ उनके लिए रील्स बनाने होंगी या सिर्फ उनके लिए जो है IGTV वीडियोज़ बनानी होगी, कभी कभी उनके लिए फोटोग्राफी करनी होगी, डिपेंड करता है कि वो क्या काम आ रहा है। तो दोनों के हिसाब से मुझे ये कैमरा बहुत ही अच्छा लगा। ओके, सो अभी हम लोग इस कैमरा को ट्राई एंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पे पूरी की पूरी एडिटिंग रूम बनाई है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। अगर आप यहीं पे शूट करके यहीं पे एडिट करते हो, तो आपको कितना फ़र्क पड़ता है इस कैमरा को समझने के लिए। और यही है पूरे बस का जो है एक मोटो था, कि अगर आप ये बस का यूटिलाइजेशन कितना इफेक्टिवली कर पाते हो, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई एंड टेस्ट ये कैमरा को, जो है R5C। और देखिए यहाँ पे ये लोग ने ना बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी रखी है, जैसे कि रॉनन का गिम्बल है, या स्टडी कैम है, या जो भी है एक्सप्रेस कार्ड, इसमें एक्सप्रेस कार्ड लगेगा, CF का एक्सप्रेस कार्ड, सनाइज़र के ये जो मॉनिटर्स रखे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी रखी गई है, सनाइज़र के माइक वगैरह सब कुछ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ें यहीं पे यूज़ करके आप समझ सकते हो, ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी सकते हो ऑफकोर्स। सो लेट्स बिगिन, अभी हम लोग हमारा पहला शॉट लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना एंड टू एंड सोल्यूशन दिया है, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे आप सिर्फ कैमरा ट्राई करते हो, टेस्ट करते हो, एग्जीबिशन में वहीं पे रख देते हो। यहाँ पे जो है आप इंडोर आउटडोर शूट करके, फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके, यहाँ पे एडिटिंग का काम देख के क्या अच्छा पड़ रहा है, क्या बुरा कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे समझ के, यहीं पे ये लोग के एक्सपर्ट्स भी खड़े हैं, उनको पूछ के कि क्या अच्छा हो सकता है, कौन सा चीज़ मेरे लिए बेटर है, वो सब समझ के आप इसको ख़रीद सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ ये एक बस है, ये मोबाइल चीज़ है, आपको एक जगह पर नहीं जाना है, आपको बस कॉन्टैक्ट करना है, बस वहाँ पर होगी, कहाँ होगी वो आपको बता देंगे।
विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, राइट? सो लेट्स बिगिन. हम लोग एक फोटोग्राफी का थोड़ा सा करते हैं और फिर वीडियोग्राफी भी थोड़ा करके देखते हैं कि एडिटिंग का क्या हम लोग को फ़र्क और एडवांटेज पड़ रहा है. सो अभी हम लोग बाहर आए हैं आउटडोर में, ठीक है? ये बस के बाहर ही आ रहा है डायरेक्ट. बाहर आके हम लोग इंडोर का जो शूट है वो भी करेंगे, आउटडोर का शूट करेंगे R5C के कैमरा के साथ. और उसके ऊपर हम लोगों ने 85mm USM DS लगाया है. ये जो लेंस है स्पेसिफिकली फैशन फोटोग्राफर्स वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है. पता है क्यों? इसका जो एक ऐसा ऑप्टिक्स है जहाँ पर जब भी आप फोटोग्राफी करते हो, पता है हम लोग को बहुत शार्प इमेज आ जाती है, मतलब ये जो पिंपल्स वगैरह है या एक एक जो दाना है वो भी दिख जाता है. तो कभी कभी ऐसा लगता है यार ये सारी चीज़ों को टचअप करना पड़ेगा. तो ये वाले जो लेंस है वो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं. सॉफ्ट करने की वजह से आपको ऐसा नहीं कि फोटो पूरा का पूरा सॉफ्ट आ रहा है, पर वो एकदम शार्प होगा. पर ये जो सारी जो चीज़ें होगी ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एकदम नरम हो जाएगी, जो बहुत ही अच्छा पड़ता है. आपको रीटचिंग का जो काम है वो बहुत ही कम हो जाएगा. अभी लेट्स ट्राई कि कैसा होगा. तो DS का मतलब होता है डी फोकस स्मूदनिंग, मतलब जो हम लोग स्मूदनिंग करते हैं ना फेस के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया, वो स्मूदनिंग लेंस के अंदर ही हो जाता है. सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. ऐसे बहुत सारे नए नए लेंसेज आए हैं, 3-4 नए लेंसेज आए हैं, वो भी मैं लगा के यहाँ पे देखने वाली. अभी हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं. मैंने AV मोड पे कैमरा रखा है, ठीक है? AV मोड पे मैं 2.8 नहीं है, इसमें 1.8 तक लगभग जाए, 1.2 तक जाता है. सो अभी हम लोग इसको 1.2 तक लेके जाएंगे, जो सबसे मैक्सिमम वाइडेस्ट एपिचर है इसका. और अब फोटोग्राफी करेंगे. स्माइल पापा, त्याज हुआ लाइट साहब. सो एज यू कैन सी द शार्पनेस तो बहुत कड़क है, ठीक है? बहुत ही कड़क है. और जो स्मूथनिंग की इफ़ेक्ट चाहिए देखो यहाँ, वो भी उसने की है. मतलब यहाँ पे भले ये आई शार्प है, जो थोड़ी कुछ चीज़ें हैं वो इतनी स्मूथ रखी है ताकि हम लोग को उतना सारा टचअप ना करना पड़े. और इसका वीडियो मोड एक बार चेक. हाँ, अभी देखो यहाँ पे FN का फंक्शन का मोड दिया है, ठीक है? तो आप ऐसे ही यहाँ से ही शिफ्ट कर सकते हो. अभी इसमें AV TV नहीं रहता है, ये मैनुअल से ही आपको करना होता है. तो यहाँ पे देखो आप ये सारा उनका आयरिस चेंज कर सकते हो, वाइट बैलेंस. फिर वापस आगे जाने से उसका पिंक टोन या ग्रीन टोन जो आगे पीछे करना है वो यहीं से कर सकते हो. वापस वहाँ पर नहीं जाता, ग्रीन टोन पिंक टोन यहीं से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? वापस FN दबाने से यहाँ पे आप 2.8, अभी मैंने यहाँ पे 7200 का लेंस लगाया है, तो 2.8 हम लोग मैक्सिमम रखेंगे. और जो ISO है वो यहीं से बढ़ेगा. देखो यहीं पे ये ब्राइट या डार्क दिखाएगा. यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का बटन है इधर दिया है, मैंने यहाँ पे दबा दिया. और अभी हम लोग यहाँ पे शूट करने का स्टार्ट करेंगे. आप बुक उठाइए और बुक उठा के थोड़ा सा ऊपर करिए उसका लेवल बुक का, और उसको थोड़ा सा रीड कीजिए. ये हम लोग सैम्पल शॉट्स ले रहे ताकि हम उसको एडिट भी कर सकें. ओके, अभी हम लोग एक दूसरा शॉट लेंगे जहाँ पे वो बुक उठा रहे हैं, यहीं से मैंने अभी रिकॉर्डिंग दबा दिया है धीरे से. ओके, अभी हम लोग जो है पूरा एक एडिटिंग करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे दो क्लिप्स लिए. अभी और एक हम लोग, ये दो इंडोर क्लिप्स थी, एक आउटडोर की क्लिप लेते हैं कि वो चल के आ रहे हैं यहाँ पे अंदर आए ऐसा, ठीक है? तो चल के आ रहे हैं, उसे चलने वाले 2-3 शॉट्स ले लेते हैं. जस्ट ये एक सैम्पल वीडियो है, मेरे फादर ही है जो मॉडल बने हैं. एक सैम्पल वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, कैसी चल रही है वगैरह वगैरह. ओके, सो लेट्स गो आउटसाइड. कैन यू सी दिस? ऐसा कभी कोई लेंस देखा है जिसमें दो लेंसेज हैं और एक ही कैमरा है? पर यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी ये चीज़ देखने के लिए कि ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है. ज़्यादा समझने पर मुझे समझ में आया कि जो हम लोग VR टेक्नोलॉजी रहती है, विजुअल रियलिटी, जो नहीं वो चश्मे पहन के जो आजकल लोग देखते हैं जैसे आपको लगे कि आप वहीं पर पहुँच गए हो, उसको शूट करने के लिए ये लेंस बनाया गया है. अब तक जो VR टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या था कि वो लोग दो शूट लेते थे, यहाँ का ऊपर नीचे ऐसे करके जो है दो वाइड एंगल में शूट लेते थे, उसको मर्ज करते थे और आप विजुअल रियलिटी वाले क्लिप्स देख सकते थे. पर ये जो लेंस है उसमें आप विजुअल रियलिटी यहीं से देख सकते हो, मतलब यहीं पे दो जो लेंस है उसका शूट होता है, ठीक है? और दोनों लेंसेज शूट करने के बाद इसको मर्ज करके आप जो है 180 डिग्री व्यू देख सक पाते हो. अभी अगर मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ तो आप ऊपर का, नीचे का, यहाँ का, वहाँ का, सभी जगह का वाइड में शूट देख सकते हो. सो आई विल जस्ट शो यू. इसका जो स्क्रीन है इट्स वेरी डिफरेंट.
देन आर यूजुअल. देखो ऐसे दो क्लिप्स यहाँ पे बन रहे हैं. अभी हम लोग इसको थोड़ा टेस्ट एंड ट्राई करेंगे. मैं अपने फादर को बोलूँगी कि वो चले वगैरह ऐसा कुछ शॉट लेंगे और फिर इसको हम लोग एडिटिंग करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है और क्या डिफरेंस है ये वाले लेंस पे. अब हम ये पूरी बस को विजुअल रियलिटी के थ्रू देखेंगे. ऐसा लगेगा आप भी यही बस में हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. As you can see, ये कितना cool है, कितना amazing है. Hi Parth. Hi. मैं ही नहीं दिख रही हूँ, बस ये visual reality है, बाकी सब दिख रहे हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे एडिटिंग भी करने वाले हैं. एज आई हैड टोल्ड यू, यहाँ पे मेरे पास CF एक्सप्रेस कार्ड है, जो हमारे SD कार्ड होते हैं, CF कार्ड होते हैं. ये जो है CF एक्सप्रेस कार्ड है, मतलब ये ज़्यादा फास्ट राइट भी करता है और फास्ट रीड भी करता है. और जब आप सिनेमा कैमरा यूज़ करते हो तो फाइल साइज़ बहुत हैवी होती है, क्योंकि उसमें 8K 60p पे रिकॉर्डिंग होता है. जो R5 था उसमें 8K 25p था, पर इसमें 8K HD नहीं, 4K नहीं, 8K पे 60p रिकॉर्डिंग होता है, तो उसकी फाइल साइज़ बहुत हैवी होती है. ये सारे कारणों की वजह से इसमें CF एक्सप्रेस कार्ड लगता है. और इसमें हमारे पास कार्ड रीडर भी है, जो स्पेशली इसके लिए बनाया गया है, जो सैंडिस ने बनाया है. तो अभी हम लोग यहाँ पे एडिट करने के लिए ये लगाकर देखते हैं कि कैसे फाइनल फिल्म बनती है. सो अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये है कि यहीं पे एडिट होने वाला है, राइट. तो यहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स जो है इन्होंने यहाँ पे अपलोड की. डाविंची रिजॉल्व का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें वो लोग इनको ज्वाइन करने वाले हैं. साथ ही साथ अगर आपको, जो मैंने ये दिखाया था ना कि आप 180 डिग्री में विजुअल रियलिटी का एडिटिंग कर सकते हो, उसके लिए कैनन का EOS VR यूटिलिटी का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप डाल के वहीं वो लोग आपको क्लिप तैयार करके दे सकते हैं. सो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखो टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं. हमारा यहाँ पे वो क्लिप, जो सारी क्लिप्स है वो यहाँ पे खुल गई है. सो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे हमारी ये क्लिप देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो है ये पूरा शूट हो गया है. ठीक है, यहाँ पे दो लेंसेज का दो अलग विजन है, जैसा हमारा कैमरा में था वैसा ही. और उसकी जो फाइनल फाइल बनती है वो फाइनल फाइल दिखाइएगा, जो अभी आपने दिखाई ना, दो अलग विजन नहीं है, दो अलग विजन वाला जो फाइनल फाइल आपने का दिखाया ना. यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लिप थी, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं. तो ये देख सकते हो कि ये दो अलग क्लिप बनी है, राइट. ऐसी फाइल्स होती है जिसको कन्वर्ट करके कुछ ऐसे फाइल्स बनाते हैं, और ये फाइल्स ऐसी होती है. तो जब आप VR ग्लासेस पहनते हो, वहाँ पर ये दो अलग जो आपकी आईज होती है, दो अलग आँखों में ये दो अलग जो पिक्चर्स दिखाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप 3D में देख रहे हो. दैट्स दी एंटायर टेक्नोलॉजी, कि जब आप ऐसा शूट करते हो तब आप VR ग्लासेस में देख सकते हो. और VR ग्लासेस के अलावा नहीं होता, मतलब आप स्क्रीन पे ऐसा ही देखोगे, वो सिर्फ VR ग्लासेस के लिए ही खास ये बनाया गया है. सो ये जो वैन है, इसका ये सबसे बेस्ट फीचर है, जहाँ पे आप यहीं पे क्लिप लेके देखो, हम लोग यहीं पे भी एडिट करके देख रहे हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट है, कितनी शार्पनेस है, क्या है, कैसा है, सब कुछ. सो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं. ठीक है, सो हैप्पी. कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का. पहली बार मैं तो ऐसी, मतलब बस में आई हूँ इतने सालों में, कि बस के अंदर मतलब सारा एग्जीबिशन लगा है, ये कैमरा ले लो, ये टेस्टिंग कर लो, एडिटिंग रूम बनाया है बस में. मतलब अब ना हम लोग वैनिटी वैन में नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसी बसेस में जाएंगे जहाँ पर सारा कैमरा एडिटिंग रूम वगैरह होगा. मैंने और बातें सोच लिया कि जब हम लोग थोड़ा और पैसा कमाएंगे, ठीक है, हम ऐसी बस लेके जाएंगे शादियों में, वहीं पर एडिटिंग रूम वगैरह सब बना देंगे. हालांकि इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस करना है, आपको भी ऐसी कैनन वाली जो बसेज है उसमें जाना है, आप उनको ही कॉन्टैक्ट कर लो, वो आपको बता देंगे कि आपके शहर में या कहाँ पर उनकी बस है अवेलेबल, वहाँ पे आप बस में जाओ और सारा देख सकते हो. आई होप आपको आज का अच्छा लगा हो. VR टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा, R5C हम लोगों ने देखा, जो नई नई चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर दिख रही है ना. मतलब देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Thank you so much. See you soon.